बैक टू माई चैनल अंकिता होम किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आलू की सब्जी और उसके साथ खाई जाने वाली कचौड़ी। यह दिल्ली की बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड में मिलती है और उसके अलावा ये दिल्ली के सदर बाजार में चांदनी चौक के आपको हर जगह मिल जाएगी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और एक बार हाँ जरूर अपने घर में ट्राई करें और मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम कचौड़ी के लिए मैदे का डो लगाएंगे। ये मैंने 2 कटोरी मैदा लिया हुआ है। ये लगभग से 400 ग्राम है ये मैदा, ग्राम है ये 2 कटोरी। आपको जितना बनाना हो आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। उसके बाद ये मैंने मूंगफली का तेल लिया हुआ है, आप रिफाइंड ऑयल कुछ भी मिक्स करके बना सकते हैं। मैदे का डो हम इसलिए आपको पहले बता रहे हैं कि आप डो लगा के रख देंगे तो थोड़ा इसको सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको सब्जी कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे। आपका डो है ये जो है ना, इसमें इतना मिक्स करिएगा ऑयल कि आप इसको जब मिक्स करेंगे तो एक लड्डू जैसा बन जाए, तब लड्डू टूटने ना, तभी आपकी खस्ता खस्ता कचौड़ियाँ आपके सामने आएंगी। देखिए आपको जब आप हाथ से आप ऐसे करेंगे ना तो ये लड्डू फूटना नहीं। आप इसमें इतना ऑयल मिक्स करिएगा कि जैसे ये लड्डू जैसा बन जाए, देखिए ऐसे टूट नहीं रहा। अब इसमें हम वाटर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा वाटर डालिएगा क्योंकि मैदा पानी कम एब्जॉर्ब करता है, पानी कम सोखता है ये। तब थोड़ा थोड़ा सा, मैंने एक गिलास पानी लिया है, उतना तो नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा डालिए और थोड़ा थोड़ा लगाइए। देखिए डो हमारा इस प्रकार से लग गया है। अब इसको हम ढक के रख देंगे जब तक हम आपको इसकी आलू की सब्जी के, अब अच्छे से साफ कपड़े से ढक के रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। हम अपनी आलू की सब्जी कैसे बनाते हैं आपको दिखाते हैं। गैस फ्लेम को ऑन करेंगे, अपनी कढ़ाई को रखेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, वैसे मस्टर्ड ऑयल में तुम्हें टेस्ट अच्छा आता है। मैंने 2 आलू लिए हुए पहले से उबाल के मैश कर लिए हुए। ये कस्तूरी मेथी है, मैंने पानी में भिगो दिए थे, 10-15 मिनट पहले आप भिगो दीजिएगा तो अच्छे से सोख हो जाता है। ये मेरी फेटी हुई घर की दही है, आधी कटोरी लगेगी। आलू के हिसाब से मैंने 2 आलू मीडियम साइज का लिया हुआ है। ये मैंने ग्रेट किया हुआ टमाटो लिया हुआ, मिक्सी में नहीं पीसा हुआ, कद्दू कैसे मैंने ग्रेट किया हुआ है, और ये ग्रेट किया हुआ अदरक है 1 इंच तक, और ये 2 हरी मिर्च है, मैंने छोटे छोटे नहीं काटे हैं, मैंने बड़े ही काटे, और एक ये रेड चिली। ये हमारे मसाले हैं जो इसमें पड़ने वाले, जीरा पाउडर, काला नमक, चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, सेंधा नमक, आप कोई भी नमक ले सकते हैं, मेथी दाना और ये कश्मीरी लाल मिर्च। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं अपना सब्जी बनाने की रेसिपी। सबसे पहले भी इसमें मेथी दाना डालेंगे, मेथी दाना डालेंगे, तेल मेरा हो चुका है काफी। बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है, मजा आ जाएगा खा के आपको। मेथी दाना डाल दिया है, ये हमने चिली लिया हुआ है, ये 2 हमारी चिली हुई है। ये हमने ग्रेट किया हुआ अदरक लिया हुआ है, इसको भी डाल देंगे। इसमें अदरक काट के मत डालिएगा, ग्रेट करके ही डालिएगा, टेस्ट अच्छा रहेगा। फिर ये हमने ग्रेट किया हुआ टोमेटो लिया हुआ है, ये छोटे छोटे मीडियम साइज के थे तो मैंने 2 लिया है, नहीं एक से भी काम चल जाता है। अब हम इसको डालेंगे,
अच्छे से भूनेंगे। अब इसको टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। आप इसको व्रत में बना के खा सकते हैं, बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी है, आलू की सब्जी सिंघाड़े की पूरी के साथ आप व्रत में आराम से खा सकते हैं। बहुत ईजी अच्छे से बन जाती है। इसमें हम हल्दी पाउडर लेंगे, सब मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा कम ही लिया है। अकॉर्डिंग टू पोटैटो कितना आप लेते हैं उसके हिसाब से मिक्स कर लीजिएगा। फिर ये मेरे कश्मीरी लाल मिर्च इसको मिक्स करेंगे। ये हमने जो फेटी हुई दही ली थी उसको अच्छे से फेट लीजिएगा दही को। अब हम इसमें मिक्स करेंगे। अब हमें इसको अच्छे से भूनना है। ये हमने जो मैश किया हुआ आलू धो लिया था उसको मिलाएंगे। आलू को अच्छे से आप मैश कर लीजिएगा, एकदम पीस पीस, इसको पीस पीस मत कर दिएगा, ये तो अब वो टेस्ट नहीं आएगा आपका। भंडारे जैसा जो टेस्ट होता है वो नहीं आएगा। अच्छे से इसको मैश कर लीजिएगा। इसमें हम पानी मिलाएंगे, पानी डालेंगे। मैंने एक गिलास पानी डाला था, इसमें एक गिलास और जाएगा। ये बिल्कुल एकदम रनिंग वाटर जैसा है, इसको थिक नहीं चाहिए, सब्जी बिल्कुल पतली रहती है एकदम पानी के जैसे। मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए मैंने दो आलू लिए थे उसमें दो गिलास पानी गया है, अभी मैं हाफ गिलास और डालूंगी। अब इसमें चलिए डालते अपने मसाले। ये मैंने जीरा पाउडर लिया था, इसको डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर के बाद ये मैंने काला नमक लिया हुआ है एक पिंच, और ये चिली फ्लेक्स है, इसको भी डालेंगे। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, नहीं तो बहुत तीखा, वैसे ये सब्जी बहुत तीखी अच्छी चटपटीदार लगती है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा तीखी चटपटी खट्टी बहुत टेस्टी लगती है। आप व्रत में बना रहे हैं तो काला नमक को अवॉइड करिएगा। और ये जाएगा मेरा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। ये हाफ ग्लास वाटर और डालेंगे, अच्छे से बॉईल करेंगे। उसके बाद ये मेरी भीगी हुई कस्तूरी मेथी है, अब इसको हम डालेंगे। इसमें धनिया की जरूरत नहीं है आपको। कस्तूरी मेथी को आप बिना भिगोए मत डालिएगा, क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए आप इसको भिगो के ही डालिएगा। अब इसको बॉईल करते हैं।
चलते अपने कचौड़ी बनाने के स्टेप में। गैस सब कुछ डालने के बाद ये लास्ट में जिसमें मैंने दही लिया हुआ था उसी कटोरी और थोड़ा सा पानी डाल के डाल दीजिएगा ऐसे ही। इसमें जो पूरा दही बच जाती है ना वो डालेंगे ना तो उसका टेस्ट भी अलग ही आता है। अब ये हमारी सब्जी एक दो बार खोलेगी, बॉईल होगी, उसके बाद हम आपको कचौड़ी बनाने का स्टेप दिखाते हैं।